हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बर्तन बाज़ार हल्द्वानी से। अभी मैं इस वक्त हूँ बर्तन बाज़ार पे। अभी धनतेरस भी आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, तो बर्तनों का ख़रीदारी आप कर सकते हैं। तो बर्तन बाज़ार के बारे में आज मैं सारा कुछ बताऊँगा, कहाँ पर है, क्या है। अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो कुछ इस तरह से लोकेशन है, आप जैसे पटेल चौक से ऊपर से नीचे को आएंगे जहाँ ये रामलीला ग्राउंड है, और बेस हॉस्पिटल के जस्ट बगल से नीचे को आएंगे तो वहीं गली से पटेल चौक से थोड़ा सा नीचे ओके यहाँ पर बर्तन बाज़ार चालू हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बर्तन बाज़ार है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कम से कम ना 100 से ज़्यादा बर्तनों का बाज़ार मिलेगा। सिर्फ बर्तन ही बर्तन मिलेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अभी मैं इस साइड का दिखा देता हूँ नीचे चलते समय। और बीच बीच में यहाँ पर ना सोने की दुकान भी है। बीच बीच में आप जैसे एक दो दुकान ना सोने की भी है, तो आप यहाँ से सोना वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये बर्तन दुकान। गाइज ये देखिए नीचे को, यहाँ भी आपको कलश वगैरह बहुत सारे बर्तन आपको मिल जाएंगे। देखिए अभी त्योहारों का टाइम है, स्टैंड वगैरह भी सब मिल जाएंगे आपके यहाँ। पूजा की सामग्री यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए तो घंटी भी मिल जाएंगे आपके, छोटी से बड़े तक सारे घंटियाँ मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर दिए वगैरह रखे हैं, कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं। धनतेरस के टाइम पर ना यहाँ पर बाइक लाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेगा, आपको पैदल आना पड़ेगा। तो उससे पहले आप ख़रीद लीजिए। और ये तांबे की प्रसाद है यहाँ पर। और ये देखिए कलश, देखो तरह तरह के कलश हैं। और रेट सब कम ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रसाद हैं, बड़े प्रसाद, छोटे प्रसाद, घंटियाँ आप ले सकते हैं बड़े चढ़ावों के लिए। देखो घड़ा है मस्त, देखो बढ़िया तरह के। ये देखिए तांबे की प्रसाद, छोटी घंटियाँ भी हैं। ये देखिए थालियाँ हैं कलश टाइप का। इस तरह से दुकानें हैं ऊपर भी लगी, देखो कितना बेहतरीन है। और यहाँ को देख सकते हैं आप, ये देखिए थाली बगल में भी है, आप जैसे देखिए। और इस तरीके से ये देखिए, और यहाँ पर भी है पूजा का सामान ऐसे हो सर। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से है। तो ये बर्तन बाज़ार ना यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और नीचे को ना यहाँ कपड़ों का मार्केट आ जाता है। तो अगर आप नीचे से आएंगे ना, तो नीचे से आप आएंगे तो यहाँ कालूसाई मंदिर दिख रहा होगा, सामने वाले गली है वहाँ से आप इधर को आएंगे लेफ्ट साइड में, चार गली छोड़ के पाँचों गली में आना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ से चालू हो जाती है बर्तन बाज़ार। आपको यहाँ ना बहुत सारे बर्तन मिल जाएंगे, तरह तरह के आपको बर्तन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए स्टील का सगुन करके दुकान है, शुरू में ही आपको मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से है। और उसके बाद सुनार की मिलेगी, सुनार का बाद में बनाऊंगा मैं वीडियो। और यहाँ पर भी है देखो घंटियाँ वगैरह सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए कटलरी, और ये देखिए डेग वगैरह सब डेग मिले, छोटे से बड़े तक डेग आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ को देखिए घंटियाँ रखी है, बहुत सारी घंटियाँ रखी हैं, बड़े डेग भी रखे हैं। अगर आपको कांटे वगैरह भी चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से तो वजन काटा होता ना तोलने वाला, वो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए इन्होंने तरह तरह के दिए सजा रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए माता रानी की फ़ोटो भी है, और टीका लगाने का है, अर्घ है, और ये पूजा की थाली है। ये देखिए और लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, और एक प्लेट ले सकते हैं, घंटियाँ हैं बिकते बढ़िया तरीके से। ये देखिए लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, इस तरह से दुकान है इनकी। और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पर और क्या क्या अवेलेबल हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी तरह तरह की घंटियाँ हैं, आप ले सकते हैं। देखिए छोटे से लेके बड़े तक हैं, कुछ सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, तोल के हिसाब से होगा। पूजा का ना नया नया आ गया है आजकल, देख रहे हैं आप इस तरीके से। तवे वगैरह भी मिल जाएंगे, ड्रम आपको चाहिए तो ड्रम भी आपको अवेलेबल है, छोटा भी है, बड़ा भी है, सबसे बड़ा भी है अगर बड़ा लेना है आपको तो। और यहाँ पर भी कितने का है ये स्टैंड, मैंने रहन दो अगर वो है तो। और दादी कैसे हो, कैसा हो रहा है मार्केटिंग? ये देखो ये किस चीज़ की फ़ोटो है, ये सरस्वती की है, सरस्वती माता की है, ये लक्ष्मी की, ये चांदी की है क्या? दुर्गा माता चांदी की है या काले कलर? मेटल की है भैया, मेटल की। कितना भेद कितने की है ये? ये है 5800 की, बहुत ही बढ़िया बनाया है। तो दादी की कुछ, ये सबसे बड़ा घंटी कितने का है? 2100 किलो की। कितने का है ये?
21 किलो 200 ग्राम कितने रुपए की हो जाएगी ये? ऐसी होगी लगभग 10 के आसपास। 10,000। तो गाइस ये देख रहे हैं आप, सबसे बड़ी घंटी ये है, 10,000 के करीब आपको मिल जाएगा। बाकी आप रेट यहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। भैया की दुकान है, आप भैया को पहचान लो। थैंक यू भैया। तो ये यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टैंड मिल जाएंगे, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। डब्बे डुब्बे भी मिल जाएंगे और पूजा का इन्होंने सामान रख रखा है, ये देखे यहाँ पर, ये देखे और ये देखे, बढ़िया तरीके से। अब सबसे बड़ा दिया भी है, ये देखे बड़ा सा दिया है, ये भी आप ले सकते हैं। और घड़े हैं यहाँ पर, छोटे कलर्स रखे हुए हैं बहुत सारा, और ऊपर से दुकान भी है और बड़े बड़े घड़े भी रखे हैं, उस इस तरह से दुकान है इनकी। और यहाँ को अगर चाहेंगे तो ये भी है, ऑर्ग भी है, और ये छोटे स्टील की भी है, अगर आपको स्टील का लेना है तो ये सारा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कलरफुल चाहिए ना तो वो भी मिल जाएगा आपको, ये देखो इस तरीके से नज़ारा। अब आगे चलते हैं। तो गाइस बर्तन बाजार ना ज़्यादा है नहीं, यहाँ से लेके वहाँ तक है। तो यहाँ आपको जैसे जैसे अभी धनतेरस का दिन नज़दीक आएगा तो और ज़्यादा अच्छे तरह से दुकान सजेगी यहाँ पर। और यहाँ पर भी है भाई की दुकान, ये देख सकते हैं, ये देखिए पाजी की दुकान है। और यहाँ पर ये देखिए, ये पुराने ज़माने के जो तसले हैं ना, ये ले सकते हैं। देखो छोटे से लेके बड़े तक, देखो नीचे तक है, ये देखो सबसे नीचे वाला मिलेगा 3,240 का मिलेगा। इसमें बिरयानी वगैरह बनाने के लिए ना बहुत ही बढ़िया रहता है ये देखिए। और इस साइड को आपको ना बड़े डेग मिल जाएंगे, देखो ये देखो जगदीश प्रसाद यह दुकान सामने, ये देख रहे हैं आप, मोमो के डिब्बे मिल जाएंगे, बहुत बड़े डिब्बे मिल जाएंगे। देखो कितने पॉट हैं, 1, 2, 3 पॉट हैं इतने बड़े। इसमें एक पॉट में ना ये 200 मोमो करीब आ जाएंगे। तो ये बड़ा डेग भी है, देख रहे हैं सबसे बड़ा डेग आपको ये भी मिल जाएगा। बहुत सारे वैरायटी हैं इनके यहाँ, और इनकी दुकान जो है सामने है और यहाँ से ले सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से नज़ारा है। तो यहाँ पर भी रखे हुए हैं डेग, बड़े डेग रखे हैं, देखो ये डेग रखा है, बड़ा डेग रखा है। ये बड़ा डेग कितने का सर? 3,000 रुपये में आपको ना ये बड़ा डेग यहाँ पर मिल जाएगा, और थोड़ा सा कम में ये मिल जाएगा। ड्रम रखे हैं, होल सेल में यहाँ पर काम करते हैं भैया। और यहाँ पर आपको ना सबसे सस्ते बर्तन ना यहीं पर मिलेंगे, और बढ़िया बर्तन यहाँ पर मिलेंगे ये मार्केट की अपेक्षा, ऐसा सुना है मैंने, क्योंकि इनका होल सेल का काम है। और ये देखे इनका दुकान का बोर्ड देखे, अमर बर्तन भंडार करके है। देखो छोटे डेग भी रखे हैं, बहुत सारे देखे परात भी रखा हुआ है, रिजनेबल रेट है। मैंने यहाँ से झांझर लिए थे, ये दुकान से झांझर लिए थे, 2,000 रुपये में दिए थे, वो झांझर आपको भी दिखाएंगे। और हाँ अंकल क्या कह रहे हो, नमस्कार, नवरात्रि की बधाई है आपको, अरे नवरात्रि की बधाई आपके चैनल को भी, अरे बाबा थैंक यू। नवरात्रि की हम लोगों को कहें कि ऐसे प्रादों को ले जा करके अमर बर्तन भंडार से, जिसमें भी बिल्कुल रेट भी मुनासिब है। अच्छा अच्छा, ये प्योर तांबे की है? प्योर तांबा। कितने की है ये? अब रेट तो अभी किया नहीं। अच्छा, कितने रुपए किलो के हिसाब से? हाँ किलो के शेठ जी। अच्छा अच्छा, आप ले रहे हो मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया के लिए। और बाकी तो मैं भी यहाँ से लेते रहता हूँ, मैंने झांझर लिए थे बीच में, बहुत अच्छे झांझर निकले, मजा आ गया, मैंने खूब बजाया उनको। हाँ, हाँ। तो उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, अपना दिल लगे की बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो दुकान इस तरीके से है, देखो ये माता की तस्वीरें हैं, और पीछे शिव जी माता की है, पीछे बहुत सारी दुकान है। इनका गोदाम अलग से है, बहुत सारे बर्तन वहाँ, यहाँ खाली ये सैंपल के लिए है। ये देखिए सारी मूर्तियाँ हैं वहाँ से वहाँ तक, देखिए बहुत पुरानी दुकान है। गोदाम में बाद में जाएंगे, यही चीज़ होगा वहाँ। हाँ बहुत बड़ा गोदाम है, वो दूसरे दिन दिखाएंगे हम, कितने बर्तन हैं वहाँ आपको दिखा देंगे। अभी यहाँ पर ये सैंपल है, यही बर्तन वहाँ पर। कितने साल पुरानी दुकान है सर? 55 साल। 55 ईयर ओल्ड दुकान, 7 फर्म। अच्छा अच्छा, ये देखिए इस तरीके से है यहाँ पर। और यहाँ पर CCTV कैमरा भी लगाया है भैया ने। कितने की बैठी भी रही है, क्या क्या लिया आपने, कितने पराधे ले लिए? अरे बाबा, अरे चढ़ाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा मंदिर में चढ़ाओगे? एक तो एड़ी मंदिर में चढ़ाऊंगा। अच्छा, गांव या इधर ही? हाँ पहाड़, पहाड़। पहाड़ कहाँ हुआ? मेरा पहाड़ देवीदुरा के नजदीक, देवीदुरा एंड आचरी। हाँ अच्छा अच्छा, और बुगरा बुगरा। और ये किसको चढ़ाओगे? ये अपने इष्ट के मंदिर में चढ़ाऊंगा। अच्छा, और नीचे वाला? ये माँ बाराही दरबार में चढ़ाऊंगा, बिल्कुल। और ये नीचे का? हाँ। एक और बचा फिर? ये घर का। अच्छा अच्छा, घर के जो कुल, हाँ। अच्छा घर के लिए रखेंगे? हाँ। पूजा पाठ के लिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और क्या क्या ले रहे हैं? कन्या पूजन के लिए प्लेट, ये उन्हीं को दे दोगे जिससे कन्या पूजन करोगे? हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कितने का लिया आपने? गिलास लिया बेटा, तो ड्रम थर्माकोल। हाँ, तो भैया रेट बहुत ही रिजनेबल लगाएंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखो डेग, देखो कितना बड़ा है, ये देखो सिल्वर, देखो डब्बे भी है। आप आटा चावल रखने के लिए ना बहुत बढ़िया है, ये देखो देख रहे हैं, कह रहे हैं क्वालिटी देख,
क्वालिटी करे, क्वालिटी करे। देखो इसने चार परादे ले लिए हैं भैया ने एक ही साथ साथ। ये देखिए ये भी है ना, देखो पूजा के लिए ना आप ये भी ले सकते हैं, जल हल चढ़ाने के लिए ना बहुत ही बढ़िया है यार, आप ले सकते हैं इतना बढ़िया। तो ये चार प्रसाद भाई ने ले ली है और ये वाला चाहिए हल्का लोगे उतना अच्छा रहेगा, ये हल्का लेने का, ये हल्का लेने का, कभी भी भारी में नहीं लेने का, ये खराब ले गए हूं मैं, ये खराब नहीं होते वैसे। अच्छा अच्छा देखो कितना किलो का है, 10 किलो आ जाएगा, 20 किलो आ जाएगा इसमें, 40 किलो, 40 किलो आ जाएगा। चावल आटा ये और वो वाला बराबर है, 40 किलो हां, ये दोनों एक ही है, ये वाला ये इसकी साइज है। कितने रुपए किलो चल रहा है अभी तांबा? तांबा भाजी अच्छा क्वालिटी का 1200-1500 रुपए सिल्वर, 3000 रुपए। तो अभी धनतेरस पे डिस्काउंट है आपका यहाँ? हाँ डिस्काउंट है, अभी तो दुकान सजेगी यहाँ तो बिल्कुल आगे सजेगी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, तो यहाँ पर गिलास भी है। तो गाइस अभी वीडियो लंबी हो गई है और इससे ज़्यादा बनाएंगे और दूसरे दिन और मैं आपको डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अभी बर्तन बाज़ार से वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहे आप मेरे चैनल में।